तो गाइस द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स दिवाली इज राइट हियर और ऐसे टाइम पे अपने इंस्टाग्राम पे खुद की अच्छी अच्छी फोटोज डालना किसको नहीं पसंद है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज के वीडियो में मैं आपको कुछ आसान दिवाली फोटोग्राफी आइडियाज दूं जो आप इजीली अपने आप कर सकते हैं अपने कैमरा के साथ। अब जिसके पहले हम अपने फर्स्ट आइडिया के साथ शुरू करें, अगर आप ये चैनल पे नए हैं मेक श्योर टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन, वी आर ऑन दैट रोड टू 100K सब्सक्राइबर्स, इसी के साथ बेल आइकन भी हिट कर दो ताकि आप फ्यूचर में ऐसे इंटरेस्टिंग से वीडियोस मिस ना करें। नाउ कमिंग डाउन टू द फर्स्ट आइडिया, और इसके लिए आपको सिंपली अपने कैमरा के साथ बाहर जाना है। दिवाली के टाइम पे यूजली रेस्टोरेंट्स, मॉल्स, होटल्स में बहुत सारी लाइटिंग की रहती है, उन्होंने फेरी लाइट्स लगाए रहते हैं और ये एक परफेक्ट मौका रहता है फॉर टेकिंग सम रियली ब्यूटीफुल शॉट्स। तो जल्दी से व्लॉग पे जाते हैं जहाँ पे हम लोग, मैं और श्रुति साथ में बाहर जाते हैं एंड बीच बीच में मैं आपको थोड़ी सी गाइडेंस देता रहूँगा, बट इसी के साथ शुरू करते हैं। हम लोग अभी हमारे पहले रेस्टोरेंट के लिए निकल रहे हैं। यूजुअली श्रुति चुप बैठना है यार, स्लोली स्लोली करके मैं इसे उठा सकती हूँ। हाँ ठीक है, चुरा दे। यूजलेस। तो अभी हम निकले टूवर्ड्स आवर फर्स्ट रेस्टोरेंट। यूजली दिवाली के वक्त रेस्टोरेंट्स में बहुत अच्छी लाइटिंग की हुई रहती है बाहर, यू नो देयर आर ट्रीज पे उन्होंने फेरी लाइट्स टांगे रहते हैं, ट्रीज पे रहता है, इट्स एवरीवेयर। सो इसका एडवांटेज तो ऑब्वियसली लेना ही चाहिए। सो श्रुति इज द मॉडल एंड शी इज रेडी, और हम लोग कुछ अच्छे शॉट्स वहाँ पे ट्राई करते लेने का। प्रॉब्लम एक ही है कि BTS शूट करने के लिए कोई है नहीं, तो कोशिश करेंगे जितना भी हो सके आपको BTS दिखा सके, बट या बेयर विद अस। पहला रेस्टोरेंट जो हम जा रहे हैं उसका नाम है जर्मन बेकरी। जर्मन बेकरी मेरे घर के काफ़ी पास है एंड मैंने कुछ ही दिन पहले वहाँ पे लाइटिंग देखी, तभी मुझे ये आइडिया आया। और मुझे कुछ ही दिन पहले मैंने उनकी लाइट्स देखी थी, तब मुझे आइडिया आया था कि मुझे वहाँ पे शूट करना है, क्योंकि वो फेरी लाइट थोड़े से हाइट पे है और मेरी 35mm से अच्छे से एक बोका फील आएगा, होपफुली कोशिश करेंगे। व्हाट फील? द बोके पीछे जो आता है ना गोल गोल, ओह वैसा फील आएगा होपफुली। लेट्स गो चेक इट आउट। दो ज़्यादा लाइट्स जिसके मैं बात कर रहा था, वेरी ब्यूटीफुल, एंड हम लोग वहीं पे जा रहे हैं, होपफुली दे गिव अस परमिशन टू शूट। यू भी आ गए दैट जर्मन बेकरी एंड जैसे कि आप देख सकते हैं श्रुति वहाँ पे है एंड वी हैव सम रियली गुड फेरी लाइट्स, शो देम नाउ। एंड हम इन्हीं फेरी लाइट्स का एडवांटेज लेने वाले हैं टू गेट सम रियली गुड पोर्ट्रेट्स। नाउ अगर फेरी लाइट्स थोड़े से हाइट पे नीचे रहते हैं तो आप पे अच्छा बोके इफेक्ट भी मिल सकता था। हम लोग यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं पर डिस्टेंस कुछ ज़्यादा ही ऊपर है, सो इट्स गेटिंग अ लिटिल टफ, बट वी विल गिव इट अ शॉट। अब जब बोका अचीव करने की बात आती है, इसमें कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो सब्जेक्ट है और जो लाइट सोर्स है उन दोनों के बीच में काफ़ी डिस्टेंस होना चाहिए, तभी आपको ये इफेक्ट अचीव होगा। अनफॉर्चुनेटली हमारे केस में ज़्यादा लाइट्स नहीं थे बैकग्राउंड में, बट वी स्टिल मैनेज टू गेट अ लिटिल बिट ऑफ अ बोका। बट आप देख सकते हैं श्रुति वो वॉल से कितना ज़्यादा दूर है, तब हमको ऐसा टाइप का एक रिजल्ट आ रहा है। इसी के साथ अपना एफ स्टॉप जितना नीचे हो सके उतना रखिए, यूजुअली 50mm 1.8 काफ़ी यूजफुल रहते हैं ऐसे सिचुएशंस में, क्योंकि जितना आपका लोअर रहेगा अपर्चर उतना आपको ब्लरी बैकग्राउंड मिलेगा, उतना आपका बोका ज़्यादा बटरी रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा एंड यू विल गेट सम स्टनिंग इफेक्ट्स। और मैं इसका लेंस के सामने ला रहा हूँ इन ऑर्डर टू गेट अ बोके थोड़ा सा और बेटर। ओके गाइस, जस्ट गॉट डन विद दिस लोकेशन एंड ये थे कुछ फोटोज हम लोगों ने आज क्लिक किए। आई फेल्ट इट कुड हैव बीन बेटर, बट जिसमें जो लाइटिंग था उसमें हम लोगों ने बेस्ट यूज़ किया। अगर आपके घर के आजू बाजू इफ देयर आर सम अदर प्लेसेस जहाँ पे लोग ने और अच्छी लाइटिंग की है, और रेस्टोरेंट्स ने, मॉल्स ने, मेक श्योर आप इसका यूज़ करें, क्योंकि दिवाली के वक्त इट्स फ्री लाइटिंग, फ्री में लोगों ने आपके लिए सेटअप किया है, सो यू शुड बी मेकिंग 100% यूज़ ऑफ इट। सो हम लोग नीचे आ चुके हैं एंड फॉर द नेक्स्ट फोटो हमारे पास एक स्पेशल सब्जेक्ट है, शिवराज की बाइक, तो वो आ रहा है और हमको ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा आवाज़ आने लगा है उसका बाइक का। पता नहीं, डेफिनेटली नहीं है, इट कुड बी समवन एल्स आल्सो प्रोबब्ली, लेट्स सी। आई एम टेलिंग यू इट्स हिम, I can bloody hear it till here. He's what, a good 200 meters away? Uska ghar? No, I'm talking about him right now. Kya pata? Nahi, he can be pretty far also. Thandi mein awaaz zyada travel karta hai na. Yeah, but you exhaust can hear ka. It na? Haan, haan, to uska ST project hai. It's very loud. Easily 1 kilometer tak to. Dude, I was sitting on his bike and that... हाँ, इट्स वेरी लाउड, इट्स वेरी लाउड। अगला फोटो हैक है, उसके लिए थोड़ा सा तैयारी लगेगा आपको, थोड़ी सी चीज़ें लगेगी जिसके बारे में हम लोग जस्ट बात करेंगे। वी जस्ट वेटिंग फॉर हिम टू कम, फिर मैं आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ।
कुत्ते इसलिए रुका। ओके गाइस, सो कमिंग डाउन टू आवर सेकंड ट्रिक जो हम लोग ये फोटोग्राफी दिवाली फोटोग्राफी सीरीज में करने वाले हैं। इसके लिए आपको थोड़ी सी चीज़ें लगेगी, स्टार्टिंग ऑफ विद अ विस्क। ये आपको यूजुअली आपके घर में मिल सकता है एंड इसके पीछे एक हुक रहता है एंड इसके पीछे हम लोगों ने एक डॉग की जो लीश रहती है इसमें आप चेन एक रस्सी कुछ भी लगा सकते हैं। सो सिंपली ये इट शुड बी नाइस एंड फोम। सेकेंड चीज़ आपको लगेगा वो है स्टील वुल। ये आपको अमेजोन पे या कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर में इजीली मिल सकता है एंड इसमें हम लोग थोड़े फायर के साथ एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। सो इफ़ यू आर अंडर एज मेक श्योर यू हैव अ अडल्ट विथ यू जस्ट फॉर योर ओन सेफ्टी। बट ऑल्सो ट्राईपॉड भी लगेगा। इफ आई डिडंट मेंशन, डिड आई मेंशन? नहीं, ट्राईपॉड भी इसके लिए लगेगा। सो लेट्स गो अहेड एंड गिव इट अ शॉट और मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा हम लोग क्या करने वाले हैं। ओके, सो पहले हम लोग थोड़ा सा स्टील वुल लिए और कुछ इस तरह से आपका जो विस्क है उसके अंदर आपको स्टील वुल को डाल देना है अच्छे से। बस हो गया, थोड़ा सा और डाल देते हैं जस्ट इन केस। ऑल्सो स्टील वुल से आपके हाथ पे स्क्रैचेस आ सकते हैं या आपको लग सकती है, सो बी अ लिटिल केयरफुल विद इट। अब जो फोटोग्राफी हम करने वाले हैं इसको हम लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी कहते हैं। आपने ऑलरेडी ऐसे टाइप की फोटोग्राफी इंटरनेट पे काफ़ी देखी रहेगी बट टुडे वी आर गोना डू इट इन रियल लाइफ एंड हमारी सब्जेक्ट जो शिवराज की बाइक है यहाँ पे वेरी ब्यूटीफुल एंड या लेट्स सी इफ वी कैन गेट सम गुड फोटोज। लेट्स जल्दी से मैं सेटअप करता हूँ एंड देन आई विल सी यू गाइस। तो यह भी आवर सेटअप रेडी है, हमारी बाइक कुछ इस तरह से रहने वाली है एंड हियर इज द फ्रेम। अब फ्रेम आपको अभी दिखेगी नहीं बट जो फोटो का हम लोग शटर स्पीड रखने वाले हैं वो 3.2 सेकंड्स का रखने वाले हैं, यानी कि शटर इज गोना बी ओपन फॉर 3.2 सेकंड्स। तो हमारे जो सब्जेक्ट है उनको एक्सट्रीमली स्टिल रहना पड़ेगा और पीछे जाके जो मैं अभी ये स्टील वुल है मैं इसे एक लाइटर से बर्न करने वाला हूँ एंड मैं पीछे से कुछ इस तरह से इसे गोल फिराऊंगा। Might sound complicated now. Let's give it a try and then you'll be understand. The leash looks so nice on the. Click. Click. Kaisa? I don't know. Haan. Okay. I also got scared for a second. I'm like, did I? Shivraj aaya but tere over still lena padega. Mere baal jalne ki smell aa rahi hai. Yeah, even I can smell it. दोनों क्वाइट ओके आए बट दे आर गेटिंग अ हैंग ऑफ इट। आपको ये समझना है कि इस काइंड ऑफ फोटोग्राफी में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ट्रायल एंड एरर। यू हैव टू कीप ट्राइंग एंड तभी आपको वो एक शॉट मिलेगा। ऑल्दो मैंने ये सेम फोटोग्राफी लास्ट ईयर भी की थी और मैंने पूरा वीडियो बनाया था उसके ऊपर। दिस ईयर ऑल्सो आई नो द जिस्ट बट ये आपको एक अच्छा शॉट आफ्टर ट्रायलिंग ही आपको मिलेगा। सो कीप ट्राइंग एंड यू विल गेट अ बेटर शॉट। चलो अटेम्प्ट नंबर 3 वो ठीक से हुआ नहीं बिकॉज ऑफ वन रीज़न। जो मैंने लास्ट ईयर भी यही गलती की थी कि मैंने इस तरह से पूरा बॉल डाल दिया अंदर, इंस्टेड आपको थोड़ा सा इसको इस तरह से स्प्रेड आउट करना है, छोटे छोटे पीस डालने हैं। यू डोंट नीड अ लॉट ऑफ क्वांटिटी बट यू नीड इट टू बी नाइसली स्प्रेड अराउंड। द डार्क थिंग्स इज गोइंग टू बी द बेस्ट वन। हां, मतलब अभी हमको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है। यू गॉट द लैक ऑफ इट। दिस वाज द लास्ट शॉट। Ooh, damn nice. I'm just hoping he's not moved. You've moved. No. I'm not moving now. अरे देखना दिख रहा है कैमरा में। काफी हिला। But ठीक है। Editing में हो सकता है। But the shot is damn nice. Damn nice. Sexy. If you just try not moving now, you'll get a better shot. करो हम लोग ये सेम टेक्निक रात को 1 बजे तक हम लोग कर रहे थे, 12:30-1 बजे तक, और तब जाके हमको 3 अच्छे फ़ोटोज़ मिले। तो यस, डेफिनेटली ये जो फोटो हैक है ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, आपको ज़्यादा ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा बट इट इज़ टोटली वर्थ इट क्योंकि आप फोटोज़ देख ही सकते हैं, दे हैव कम एब्सोल्युटली क्रेजी एंड
मैं रेकमेंड करता हूँ आप ये ज़रूर ट्राई कीजिए, इससे आपकी फोटोग्राफी स्किल भी इम्प्रूव होगी, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एंड इट्स जस्ट अ फन टेक्निक जिससे आप बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। 12:30 बज चुके हैं और शूट अभी भी जारी है, ये स्टिल सबको शूट हो जाए, श्रुति को, शिवराज को, एकदम 6 शॉट्स बट कोशिश जारी है एंड या इट्स अ फन ट्रिप। 12:30 यू शुड डेफिनेटली ट्राई। इसी के साथ दोस्तों यही थे 2 फोटो आइडियाज जो मुझे आप लोगों के साथ आज शेयर करने थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, किसी एक दोस्त के साथ शेयर कर दो। आपको अगर कौन से दूसरे फोटो आइडियाज पता है लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, आई वुड लव टू नो कि दिवाली के टाइम पे हम लोग और कौन सी अलग अलग टाइप की फोटोग्राफी कर सकते हैं, और अगर आप लोगों से थोड़ा फीडबैक आता है मुझे भी हेल्प हो जाएगा। बट या विशिंग ऑल ऑफ यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली और हम मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो।